अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, यहाँ पे मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ और हस्बैंड एडनॉक से ये हॉट डॉग बर्गर लेकर आए हैं और बहुत यमी लग रहा है। ऊपर पता नहीं क्रस्ट अनियन है कि पता नहीं क्या है, बट बहुत यमी है। तो मैं उनके लिए रोटी गर्म करने लगी हूँ, उनको ये वाली रोटी बहुत पसंद है, तो मैं ये उनके लिए फ्राई करती हूँ और साथ में ये भी खा लेंगे और मैं चाय बना रही हूँ। ठीक है, तो नाश्ता तैयार होता है फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ते के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इज़ल आयरा को नींद आई थी, वो सो गई थी। अभी 3:30 हो रहे हैं, लंच हमने कोई नहीं किया, इज़ल आयरा को करवा दिया था और मैं तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए क्योंकि मैंने बाहर से कुछ खाना है, जबकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, वो नहीं लेकर जा रहे, बट मैं ऑलरेडी तैयार हो गई। और ये देखिए मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, ये ट्रांसपेरेंट नेल्स होते हैं, इसको मैंने कलर किया वही नायका वाला, ये देखिए। ओश, ये ड्राई नहीं हुई अभी। और वो रिंग मैंने पहनी हुई है और ये ब्रेसलेट, और ये ड्रेस मैंने वही पाकिस्तानी पहना हुआ है, पाकिस्तानी ये केसरिया सी लिया था मैंने। और एजल आयरा भी तैयार है, ये रही एजल मेरे बैग में कुछ ढूंढ रही है, और ये रही आयरा। नो एजल, और डर्टी 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 डर्टी। तो बस चलिए मैं आपसे फिर हस्बैंड को उठाती हूँ, फिर आपसे बाहर मिलती हूँ, ठीक है? तो ये नेल्स मैं लास्ट टाइम मैंने लिए थे, ये वाला पैकेट था, ये हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था ये कलर, तो ये मैंने लिया था एक कलर और एक ये ट्रांसपेरेंट, इसको अभी मैंने नेल पॉलिश लगाई है। तो ये जब आयरा नहीं हुई थी लास्ट ईयर मैंने लिए थे ईद से पहले, तो ये पहनने का मुझे मौका ही नहीं मिला। ये मैंने पहने थे, इसको दूसरा कलर नेल पेंट लगाया था, फिर आके ही मैंने नेल पेंट हटा दिया था और इसको ऐसे ही संभाल के रख दिया था। तो अभी मैंने दोबारा से नेल पेंट लगाया है, और ये वाला जब मैं शायद पाकिस्तान जाऊँ इंशाल्लाह तब लगाऊँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लंबे नेल्स, बट यहाँ पे बर्तन धोने होते हैं और वो चिप्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं खुद ही उनको काट देती हूँ। तो ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने ग्लू भी ली थी, तो वो ग्लू मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, मैंने स्टिकर से इनको चिपकाया है, इनको नज़र आ रहा होगा, कैसे लिखा, ये स्टिकर नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला एक बार भी नहीं पहना ना लगाया, सॉरी। तो ये लगाऊंगी इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाऊंगी। ये बड़ी एक्साइटेड हो रही है ये मैडम। ये इतनी बड़ी कॉपी कैट है ना, जो इसको बोलो ये आगे से रिपीट करती है, ता ता ये। ये भी इसका मूड नहीं है, वरना ये मेरे साथ लड़ती है। ता टाइम 4 बज रहे हैं और अभी ज़बरदस्ती मैंने हस्बैंड को अंदर भेजा है कि आप तैयार हो जाएं। हम तो दोबारा से ही वैसे ही उजड़े हुए लग रहे हैं इतना मेकअप करने के बाद भी, तो ये कचरा भी बाहर फेंकना है और बस अभी बस वो तैयार हो रहे हैं फिर निकलते हैं। ठीक है यार, ये लोग लंबे नेल्स कैसे रख लेते हैं मुझे तो नहीं समझ आ रही। मैं सबसे पहले हम आए हैं इब्राहिमी और मैं पीछे बैठ गई हूँ, आयरा को फीट कराना था और ये बड़ी जैसे जुबान निकाली हुई है, और इब्राहिम से हमने गोलगप्पे लेने हैं। हाँ जी, तो इब्राहिम से हमने गोलगप्पे लेने हैं, हस्बैंड अंदर गए हैं, एजल भी साथ गई है, तो गोलगप्पे लेकर आते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने लंच नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो अभी हमारा थोड़ा बहुत कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो हमने कहा चले गोलगप्पे ले लेते हैं, तो गोलगप्पे आते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, अल इब्राहिम। और टाइम है दिखा दूँ, 5 बज रहे हैं। सो ये हमारे गोलगप्पे आ गए हैं और ये खाते हैं, दोनों बहुत रो रही है, तंग कर रही है, वो हस्बैंड की चाट है। सबसे पहले हम आए हैं अलवादा मॉल, वो देखिए कार्टर्स अलवादा मॉल में हमने वो करना है, फार्मेसी जाना है, मेरी मेडिसिन लेनी है और उसके अलावा निशात जाना है,
क्योंकि इस ड्रेस का मुझे दुपट्टा लेना है घर में लेके, और सेंटर पॉइंट भी जाना है। तो चले देखते हैं क्या क्या कंप्लीट होता है। अभी तक तो हमारा एक भी काम नहीं हुआ, तो अभी जाते हैं निशात। तो जो काम करना है इसका, जो दुपट्टा लेना है, अल्लाह करे मिल जाए। बाकी तो ना यहाँ पे फार्मेसी है, ना यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। यार तो मेरे कोई भी काम नहीं हो रहे। मैं सेंटर पॉइंट में मुझे एक ड्रेस पसंद था, वो मुझे मिला नहीं। उन लोगों ने बोला जस्ट ऑनलाइन होगा। तो मुझे अभी ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, बट ये पोलो है। ये मेरी हैसियत से बाहर रही वाला ड्रेस। फिर भी देखती हूँ अंदर कलर्स देखो यार। ये इसमें कलर्स है कि मस्टर्ड है और एक ये रेड है और वाइट भी आई थिंक, नहीं वाइट दूसरा है। ओह माय गॉड बट है बहुत प्यारा है। घर हम अभी आए हैं, अभी पहुंचे हैं, और मैं आपको दुपट्टा दिखा दूँ। बिल्कुल देख, इतना मिलता जुलता नहीं है बट फिर भी सही है। तो ये मैंने लिया है, स्ट्रॉलर टाइप है और सॉफ्ट है, तो बस चल जाएगा। और ये है 49 दिरहम्स का, बहुत एक्सपेंसिव है यार, मुझे तो अभी पता चला है। तो बट बे इंतहा सॉफ्ट, लाइक इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखें, और इसको मैं रख देती हूँ। और हमने खाने का ऑर्डर दिया है बट वो अभी तक नहीं आया। लाइक हस्बैंड लेने जाएंगे, बहुत ज़्यादा रश होता है उन पर। हमने मिक्स ग्रिल ऑर्डर किया है, तो 8:30 हो रहे हैं। इस वगैरह के लिए मैं नगेट्स ही फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हम अभी लाए हैं, तो यही वाली नगेट्स वो शौक से खाती है दोनों बहनें। तो मैं ये फ्राई कर लेती हूँ दोनों के लिए, वो दोनों खा लेगी। तब तक हमारा मिक्स ग्रिल भी आ जाएगा, फिर वो भी हमारे साथ खा लेगी। ठीक है, तो मैं ये फ्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो ये दाल मैं रमज़ान में लाई थी, बट मैंने अभी तक पकाई नहीं। हस्बैंड मुझे मना कर रहे हैं कि ये मत पकाओ, न्यू दाल है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। बट मैंने कहा यार आनी है तो पका लेते हैं, उनको नहीं बताती। इसको मैं खोलती हूँ, वॉश करके बॉयल होने रख देती हूँ। तब तक इनके ये नगेट्स भी फ्राई हो जाएंगे, और ये उनसे चुप कर मैं उनको बोल दूँगी कि ये माश की दाल है। वो आ गई है। यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके बॉइलिंग वाटर में सोक कर लिया है। जब तक ये वाला वाटर बॉयल होता है, इसमें मैंने नमक और हल्दी डाली है, तो तब तक वो भी थोड़ा सा सोक हो जाएगी। और यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं स्लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक पक जाए अच्छे से। और ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगी, अदरवाइज हार्ड हो जाते हैं, दोनों के टेस्ट के मुताबिक नहीं रहती फिर। ठीक है, ये पानी में बॉयल आ जाएगा, उसके बाद मैं ये पानी निकाल के ये वाली दाल डाल दूँगी उसमें। ये रहा हमारा ऑर्डर, ये है शॉर्मा प्लेटर, और ये है हमारा मिक्स ग्रिल। तो चलिए अब ये एंजॉय करते हैं, खाते हैं। और साथ में खुबुस है, ये खुबुस हैं, और साथ में जो सॉसेज होते हैं ये गार्लिक और हुमस। तो चलिए हम ये खाते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो खाना हमने खा लिया है, और अभी मैं एयरजेल के और अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। तो बस मैं ये प्रेस करती हूँ, 9:30 समथिंग हो रहे हैं, और ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, आई लव यू टू, क्या क्या।